इस एग्जाम्पल में अगर हम इसको तरह से रन करते हैं तो ये रन होता ही जाएगा, रुकेगा नहीं। ठीक है, अगर मैं ए में इंक्रीमेंट कर दूं हर स्टेप में तो ए की वैल्यू चेंज होती रहेगी, सही। प्रिंट अगर इसकी जगह हमने ए भी साथ करवाया है 02, यही काम फॉर लूप भी कर रहा था। ठीक है, अब इसमें हम स्कैनर बना के यूजर से लेते हैं इनपुट, ठीक है। यूजर एक नंबर इनपुट दे रहा है, मैं कंडीशन यहां लगा रहा हूं कि अगर नंबर नॉट इक्वल टू है -1 के तो ये लूप कर दो, वरना रन ना। अब यूजर कोई भी नंबर देता है, अगर वो नंबर -1 नहीं है तो ये रन होगा, और इसके अंदर मैं यूजर से इस ए में कोई दूसरा नंबर पिक कर रहा हूं। अब ए में दूसरी वैल्यू आ जाएगी, उस वैल्यू को चेक करेगा वो -1 है या नहीं। इस प्रोग्राम को जो हम रन करेंगे, यहां पे मैं जितनी वैल्यूज देता रहा, जैसे ही -1 दी ये बंद हो जाएगा। अब ये प्रोग्राम कंडीशन बेस्ड, इसके अंदर हमें नहीं पता ये कितनी बार चलेगा, यूजर कितनी बार ये नंबर दे सकता है, कंडीशन बेस्ड। अगर यूजर ने ये नंबर दे दिया तो रुके, वरना ना। ठीक है, ये काम हमने इसमें भी करके देखा, उसमें फॉर लूप में भी करके देखा था, लेकिन वहां हमने उसको इन्फिनेट किया। बेसिकली काम इसमें होता ही है, वाइल लूप, जो फ्रॉग वाला भी, उसमें भी मैं नहीं पता ना कितनी बार फ्रॉग ने जंप करनी है, वो भी वाइल लूप में करते हैं। फॉर में एडजस्ट कर सकते हैं, हर लूप को दूसरे लूप में एडजस्ट कर सकते हैं अपनी लॉजिक के जरिए, लेकिन होता काम इसमें है। ठीक है, तो ये वाइल लूप को यूज करने का तरीका है, कंडीशन हम देते हैं। आपके पास जो नेस्टेड लूप यूज होते हैं व्हाइल और फॉर, दो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। डू व्हाइल कम यूज होता है लेकिन यूज होता है। ठीक, इसके अंदर व्हाइल में और डू व्हाइल में क्या डिफरेंस है बताया था मुझे याद है, पहले चलता है बाद में चेक करता है। अब यहां देखें, इस प्रोग्राम के अंदर मैंने इस प्रोग्राम में यहां तक वाइल लूप लगाया जिसके अंदर एक वैल्यू आ रही, लेकिन लूप से पहले मैंने मुझे एक नंबर लेना पड़ गया, लूप से पहले कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ गया इस कोड के लिए। ऐसा काम जहां होता है ना, हमें पहले काम करवाना है बाद में चेक करवाना है, इसमें बेसिकली यही हो रहा है, पहले नंबर देगा तो चेक करेगा ना वो, ये काम डू वाइल लूप में। वाइल लूप में ये होता है पहले काम परफॉर्म नहीं होता, पहले चेक होता है। ठीक है, इस चीज को अगर हम डू व्हाइल लूप में करेंगे तो डू व्हाइल का सिंटैक्स होता है डू, इस ब्लॉक के अंदर काम होता है सारा, और बाद में लगता है व्हाइल ए नॉट इक्वल टू -1 टर्मिनेटर। यहां अब हम इसमें
अब सारा काम रूप के अंदर ही है, रूप से बाहर नहीं है, ठीक है, लूप के अंदर ही काम हो रहा है, उसमें वैल्यू आई और वो वैल्यू चेक हो रही है, फिर से लूप में चल रहा है। वो भी डू वाइल में ही होगा, बिल्कुल, जो क्विट वाला किया था वही क्विट देर में खत्म हो जाएगा। इसमें इस तरह से ये रन होगा, मैंने ए ऊपर डिक्लेयर किया जाएगा, ए अगर बॉडी के अंदर रहेगा तो इस स्कोप से बाहर ए का कोई वजूद नहीं है, तो यहां मैं ए कॉल नहीं कर सकता, ए मैंने ऊपर कॉल किया। ये रन होता ही जाएगा, माइनस वन करो, लेकिन चला जरूर है, नंबर जरूर मांगा इसने, ठीक है। यहां पे ये डू वाइल में जो काम हमने स्ट्रिंग में किया था, इंटीजर की जगह हम स्ट्रिंग ले लेंगे, और यहां पे इक्वल्स के मेथड से चेक करेंगे, लेकिन हमें इक्वल नहीं चाहिए, नॉट इक्वल। अभी ये करेगा क्विट के बराबर नहीं है तो चलाएगा, क्विट के बराबर है तो रुक जाएगा, ऐसे ही हुई कंडीशन। क्विट पर रुक जाएगा, सही। ये जो लूप्स हैं वाइल और डू वाइल, ये आपके पास यूज होते हैं बेसिकली डेटा रीड करने के लिए, बेसिकली इनका काम होता है डेटा लाने के लिए, और फिर प्रोसेस होता है डेटा, क्या मैं किसी नेटवर्क से, किसी लिस्ट से, किसी एरे से डेटा लेके आ रहा हूं, तो डेटा लाता रहे और प्रोसेस करता रहे, जब हमें अपना मतलूबा रिजल्ट मिल जाता है वहां पर ही लूप खत्म हो जाता, ठीक है। काफी इतना के काम इसका, जितना हम फॉर लूप में देख चुके हैं, रिपीटेशन क्या क्या चीज कर सकती है वही काम ये कर सकती है, सिर्फ रन होने का डिफरेंट तरीका है, वो चलेगा नंबर्स पे, ये चलेगा कंडीशन, राइट। काफी आगे चले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, अगर सही है सेटिस्फाइड हैं तो ये लूप्स आपके पास यूज होते रहेंगे, ये आपके पास किसकी नेस्टेड के सारे हो सकते हैं, ये तमाम लूप नेस्टेड हो सकते हैं, व्हाइल के अंदर व्हाइल आ सकता है, डू व्हाइल के अंदर डू व्हाइल आ सकता है, फॉर के अंदर फॉर आ सकता है, फॉर के अंदर व्हाइल, व्हाइल के अंदर फॉर, डू व्हाइल के अंदर व्हाइल, सब चीज ब्रैकेट का असर हो सके तो उसके अंदर कोड कुछ भी दे दो, अब वो कोड कुछ भी हो, इफ कंडीशन हो, कुछ भी हो, हाँ मेथड डिक्लेयर नहीं हो सकता, वो होता है क्लास के अंदर, जो काम फॉर में कर रहे हैं वही काम बिल्कुल एग्जैक्टली कर सकते हैं, लॉजिक्स को बना, लेकिन बेसिक कहा इसलिए जाता है कि ये काम कंडीशन वाइज और वाइल में करें, वाइल इज मेड फॉर दिस कंडीशन, ओके। अब अच्छा ये लूप्स आपके पास आप चलते रहेंगे, आप जितने टॉपिक्स आएंगे ना उन सब में लूप्स रिक्वायर्ड, लूप्स की प्रैक्टिस होना भी होती रहेगी आपके साथ, ठीक। एक लूप मैंने अभी आपको नहीं बताया फॉर ईच, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, कलेक्शंस में सिंगल एक वेरिएबल है मेरे पास ए, उसकी वैल्यू है 10। अब मिसाल के तौर पर ये वेरिएबल मेरे पास मार्क्स, अब एक प्रोग्राम के अंदर मुझे मार्क्स सेव करने किसी स्टूडेंट के, तो मैं सिंपल इस तरह कर सकता, लेकिन अगर एक प्रोग्राम के अंदर मुझे 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स सेव करने, तो मैं किस तरह करता, ठीक है, तो मुझे प्रॉब्लम क्या आती है, ये वेरिएबल बार बार लेने पड़े, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 100, इसकी जगह पर इस चीज के अल्टरनेट के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस
हमें ऑफर करती हैं कि आप हमारे एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू सेव कर लें, एक ही वेरिएबल के अंदर सेव, क्योंकि आपको नए नए वेरिएबल बनाने के लिए आपके पास मेमोरी में इस तरह से सेव होता है। अब हम इसकी जगह पे इस तरह से सेव कर सकते हैं, ये वेरिएबल बना के 10, 9, 8, 4 नाम वेरिएबल का एक राइट, लेकिन इनको नंबरिंग दी जाएगी, नंबरिंग दे दी जाएगी 1, 2, 3, 4 चार नंबर देंगे, सही। आप थोड़ा डिफरेंस ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो 1 से नहीं 0 से स्टार्ट है, तो हम 0 से स्टार्ट कर देते हैं। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस 1 से भी स्टार्ट करती है, SQL, MVBA, 1 से स्टार्ट करते हम 0 से करें। इस वेरिएबल और इस वेरिएबल में डिफरेंस है वो एक वैल्यू रख रहा है, ये मल्टीपल जितनी वैल्यूज आप चाहें कोई लिमिट नहीं, इससे हम कहते हैं एरे। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, ठीक है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। रिस्ट्रिक्शन ये है कि ये इंटीजर टाइप का है तो इंटीजर ही वैल्यू आएगी, यहां दूसरी वैल्यू नहीं आ सकती। ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग की वैल्यू आएगी, दूसरी नहीं आ सकती, ठीक है, ये ख्याल रखना। अब इसे बनाने का तरीका और इसमें ये वैल्यू रखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट। हम इसकी जगह पे अगर इस सिनेरियो के जरिए हम सेव करना चाह रहे हैं वैल्यू, तो हम लिखेंगे यहां पे इंटीजर और स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये निशानी है एरे, सिंबल है एरे, ये मैं एरे बनाने जा रहा हूं। मार्क्स, ये एक वेरिएबल लिया है, मार्क्स इंटीजर एरे टाइप का वेरिएबल, नया एरे बनाना है इंटीजर टाइप का, इस टाइप राइट, ये एरे क्रिएट। अब इसमें एरे एज एन ऑब्जेक्ट बनाते हैं, न्यू लग गया ना, एज एन ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये एक एरे का ऑब्जेक्ट बने, उसके अंदर वैल्यू है, ठीक है। इसके अंदर एक चीज आपको बनाते हुए डिफाइन करनी पड़ती है कि मुझे मेमोरी में कितनी स्पेस चाहिए, वो स्पेस आपके लिए रिजर्व हो जाती है। इस एरे ने चार वैल्यू सेव करनी है, तो ये चार वैल्यूज की स्पेस ले सकता है, या 5 की, 50 की, 500 की, लेकिन पहले बता दो, ठीक है, वो आपके रिजर्व हो जाएगी, उस पर मैं कोई दूसरा काम नहीं करेगा। चेंज हम कर सकते हैं, पॉसिबल है, लेकिन फिर नया एरे बनाना पड़ता है, पुराने को रिमूव करना पड़ता है, बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं नया एरे, ठीक है, एक नंबर डिक्लेयर हो गया, ये डिक्लेयर, ठीक है, फिक्स हो गया। अब इसके अंदर पांच एलिमेंट में दे सकते 1, 2, 3, 4, 5 राइट, ये एक एम्प्टी एरे, अभी इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं, बिल्कुल एम्प्टी, इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0, अभी इन सब के अंदर 0 है, ठीक। अब मुझे एरे के 0 पे, ये कहलाता है इंडेक्स, 0 इंडेक्स पे वैल्यू रखनी है 10, तो मैं यहां पे लिखूंगा मार्क्स ब्रैकेट के अंदर 0, तो ये मार्क्स के 0 में 10 रख दे। अगर मैं इसमें लिखता हूं मार्क्स फोर इक्वल टू 50, तो ये फोर्थ एलिमेंट पे 50 रख दे, ये एम्प्टी है, ये 0 है, ठीक है। जरूरी है हमें सबकी वैल्यू देनी, हम जिसकी नहीं देंगे वो वाइट पर जरूर रहेगा, लेकिन स्पेस हमारा रहेगा,
अगर मैं इसमें यहां देता हूं मार्क्स 0 = 9, तो जो 0 पे 10 था ना, अब वो रिप्लेस हो गए 9 मिनट, पहले 10 था, अब ये रिप्लेस हो गए 9 मिनट, रिप्लेस हो गए, राइट? क्लियर है? इन केस में प्लस इक्वल टू लेटर जो था, तो पहले यहां 10 था, अब यहां पे इस 10 के अंदर प्लस हो गया 19 हो जाएगा, सही? और इसे प्रिंट करवाना है तो हम इसको इंडिविजुअल प्रिंट करवा सकते हैं, मार्क्स का 0 एलिमेंट चाहिए, मार्क्स का 0 पे जो वैल्यू हो प्रिंट हो जाएगा, राइट? देखें इंटीजर 4 कंपाइल करके देखते हैं, राइट? ए के 1 पे मैंने 20 रखा, ए के 0 पे 21, प्रिंट करवाते हैं ए ऑफ 1 20, ए ऑफ 3 जिस पे वैल्यू हमने नहीं रखी है 0, राइट? कंप्लीट एरे अगर मुझे इनिशियलाइज करना है तो 0 एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, 2, 3, 4, राइट? ये मैंने दिए 4 रेंज, उसकी 4 उसकी साइज दिया है, एलिमेंट्स में रख रहा हूं 5, एक ज्यादा होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, रेंज उसकी 4 है, साइज ही 4 है, तो 4 एलिमेंट ही आने चाहिए, इसमें एरर नहीं आएगा, इसमें रन टाइम पे एक्सेप्शन आएगी, एरर ये नहीं देगा, अगर हम इसे कंपाइल करेंगे कंपाइल प्रॉपर्ली हो जाएगा, कंपाइलेशन इसकी हो जाती है, क्या रन टाइम पे एरर बनता है उसके अंदर ही वैल्यू रखने की कोशिश करता है, रन टाइम पे करेंगे तब ये एक्सेप्शन दे देगा कि आपका 4 जो इंडेक्स है ये मुझे नहीं मिल रहा, मैं कहां रखूं, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, आउट ऑफ लिमिट, ठीक है? 4 या 4 के अलावा कुछ भी आप देते हैं यहां पे जो इसकी रेंज में नहीं है उस पर एरर है, एक्सेप्शन आ जाएगी, रन टाइम एरर। सेम सिनेरियो में अगर हम इसे प्रिंट करवाने जाते हैं थर्ड को प्रिंट कराते हैं 3 हो जाएगा, लेकिन आउट ऑफ रेंज प्रिंट कराता हूं मैं किसी को तो वही एक्सेप्शन आ जाएगी, नहीं मिल रहा, 4 भी नहीं होगा, सही है? तो आउट ऑफ रेंज चीज एक्सेस नहीं होगी, जितना एक दफा एरे बन गया उसके लिमिट में काम करना है, राइट? तो ये हमने एक इंटीजर टाइप का एरे बनाया, इस तरह आपके पास किसी भी टाइप का एरे बन सकता, इंटीजर, बाइट, डबल, शॉर्ट, फ्लोट, स्ट्रिंग, किसी भी टाइप। स्ट्रिंग टाइप का अगर हमें बनाना है 5 एलिमेंट के साथ, तीन एलिमेंट मैंने दिए, क्या आउटपुट आएगा? और क्योंकि स्ट्रिंग की बाय डिफॉल्ट वैल्यू नल होती, जिन पे नहीं दिए वो नल देगा, सही है? क्लियर? एरे बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम? इस एरे को अगर हम प्रिंट करवाते हैं, ये मैंने 5 बार लाइंस प्रिंट की, अगर 100 लाइंस हो तो 100 टाइम्स नहीं लिखूंगा,
रिपीटेशन हो रही है ना, लूप में रख दो, इसे लूप में रख दो। हम इसकी जगह पे लिख देते हैं फॉर इंटीजर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन फाइव, आई प्लस प्लस, एस ऑफ आई। अब इस आई की जगह चेंज होता रहेगा, पहले जीरो आएगा, वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा, फोर आएगा, फोर के बाद बंद हो जाएगा क्योंकि लेस देन फाइव का है, तो वही नीचे वाला सिनेरियो हो गया। इसे प्रिंट करवाते हैं, ये भी प्रिंट हो जाएगा उस तरह, अब लूप के जरिए होगा, सही है, करेक्ट। अगर इस एरे के किसी भी एलिमेंट को प्रिंट करवाना है तो उसका मुझे इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा, सही है? अगर मैं इंडेक्स नंबर ना दूं, डायरेक्ट एरे का नाम दे दूं, तो ये क्या करता है, नहीं आइडिया? एरे ऑब्जेक्ट की तरह होता है, तो हम ऑब्जेक्ट को जब डायरेक्ट करते हैं तो उसका मेमोरी एड्रेस देता है ऑब्जेक्ट का, बिल्कुल सिमिलर इसका मेमोरी एड्रेस दे देगा। ये एरे कहां रखा है, हैश कोड जो फैला था, सही? तो हम डायरेक्ट इसको प्रिंट नहीं करेंगे। अब हमारे पास एरे के अंदर एक फैसिलिटी होती है कि इसके कुछ मेथड और कुछ वेरिएबल होते हैं, एरे में बहुत कम है, एरे ज्यादा फंक्शनलिटी प्रोवाइड नहीं करता। एरे का एक वेरिएबल है, एरे जो ऑब्जेक्ट है ना इसका एक वेरिएबल है लेंथ नाम से, लेंथ ये वेरिएबल है, ये बताता है आपके एरे की रेंज या लेंथ कितनी है, लेंथ या रेंज जो इसका साइज है ये कितनी है। तो मैं यहां पे अगर प्रिंट करता हूं एस डॉट लेंथ एज अ वेरिएबल, ये नंबर इंटीजर रिटर्न करेगा जिसके अंदर लिखा होगा इस एरे की लेंथ कितनी है, फाइव। हालांकि अभी तो हमने खुद दी, लेकिन बाद अवकात ऐसा होता है मेरे बने बनाए मिल रहे होते, हमें नहीं पता होता कितनी लेंथ है, कितना बड़ा एरे मिले, ये लेंथ हमें तब मदद देता है पता करने के लिए कि आपको इतनी लेंथ का एरे मिले। ये लेंथ और उसमें क्लियर कर दूं जो नल एलिमेंट्स हैं उनको भी शामिल करेगा, पूरी लेंथ बताएगा, ये नहीं बताएगा उसके अंदर कितने इनिशियलाइज हुए, ये नहीं बताएगा, टोटल लेंथ बताएगा, चाहे एम्प्टी एरे भी है ना उसकी भी लेंथ बताएगा। तो अब जो हमने लूप इसमें रन किया था फॉर इंटीजर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन फाइव, आई प्लस प्लस, यहां फाइव मैंने खुद इसलिए लिखा था कि मुझे पता है उसके अंदर फाइव एलिमेंट्स, अब मुझे नहीं पता उसके अंदर कितने एलिमेंट्स, तो अब मैं इसके अंदर एस डॉट लेंथ लिख सकता डायरेक्ट, इक्वल टू नहीं लगे, सिंपल आएगा क्योंकि लेंथ आएगी फाइव और मुझे फोर तक के एलिमेंट चाहिए, फिफ्थ तो है ही नहीं, तो लेस देन लगेगा कि लेंथ से छोटा, सही है। अब हम प्रिंट करेंगे इस आई को, सॉरी एस ऑफ आई को, तो ये टोटल प्रिंटिंग कर देंगे। अब कितना बड़ा भी आ रहा है, कैसा भी आ रहा है, सब पूरा प्रिंट हो जाएगा, राइट। इसमें हमारे पास कोई भी नाम है कुछ भी है तो हम प्रिंट कर लेंगे, सही है, जिस ऑर्डर में मैंने एरे में दी उसी ऑर्डर में होगा, पहले अली दिया था, पहले अली है, लास्ट में अमजद था, लास्ट में अमजद, क्लियर, बन जाएगा प्रिंट हो जाएगा एरे, राइट। इस एरे को अगर उल्टा प्रिंट करवाना हो
कैसे हो? आपकी वैल्यू फाइव में तो है, आई की वैल्यू लेंथ बाय देन स्टार्ट लेंथ और आई ग्रेटर देन ऊपर को जीरो का ग्रेटर से कर दीजिए। लूप को उल्टा कर दें, ठीक है? हम लूप रखेंगे इस तरह से, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आई माइनस वन। वाइल में कर सकते लेकिन उसमें एक वेरिएबल एक्स्ट्रा लेना पड़ जाएगा, क्योंकि नंबर्स मांग रहे हैं। अब मैं नीचे वाले में उल्टा एरे प्रिंट करवा रहा हूँ, हो जाएगा पक्का? एरर आया तो नहीं आएगा, नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, क्या एरर? हमने आई को दे दी वैल्यू लेंथ, उसको मिल गई वैल्यू फाइव। पहली दफा लूप चल रहा है, फिफ्थ एलिमेंट उठा रहा है, फिफ्थ तो है ही नहीं। स्टार्टिंग फोर से होगा, एंड फोर पे होगा, तो यहां हमें लेंथ माइनस वन करना पड़ेगा। नीचे भी कर सकते हैं, या तो नीचे आई को माइनस वन कर दें या आई में ही माइनस वन रख, दोनों चल जाए, ठीक है? अब ये फोर से स्टार्ट करेगा जीरो, तो क्यों हमें स्टार्ट फोर से लेना ना, फिफ्थ तो है ही नहीं हमारे पास एलिमेंट। अब ये प्रिंट कर देगा उल्टा, इसको सही है, राइट? अब मुझे इसमें ये बताएं कि अगर मुझे इसमें पहला एलिमेंट प्रिंट करना है एरे का, जो भी पहला एलिमेंट है, तो मैं क्या लिखूं इसके अंदर? पहला एलिमेंट, पहला एलिमेंट क्या आएगा? जीरो से आएगा, पहला एलिमेंट जीरो पे, आखिरी एलिमेंट अगर नहीं पता तो एस डॉट लाइन माइनस वन, ये लाइन तो मुझे फाइव देगा माइनस वन, ये मुझे लास्ट एलिमेंट बता देगा कौन सा एरे, क्योंकि मेथड होता है इसके आगे ब्रैकेट्स लगे होते हैं, इसके आगे ब्रैकेट नहीं लगे। बिल्कुल, ये वो इसमें आ जो हम दे रहे हैं ना साइज, वो इसमें जा, सही है, क्लियर? अब मुझे यहाँ पे एक एरे बनाना है पांच एलिमेंट का, और इसके अंदर मुझे यूजर से इनपुट लेना है कि जो नाम है वो यूजर एंटर करे, लूप हम कितने टाइम चलाएंगे, क्योंकि मुझे पूरे पूरे एरे में इनपुट लेना है ना, एस डॉट लाइन आई प्लस, राइट? एस ऑफ आई इक्वल टू नेक्स्ट लाइन, ये इनपुट लेके एक एक करके एरे में रख दे, ठीक है? और नीचे हम एरे को अलग से, अलग लूप में, चाहे तो इसमें करवा सकते हैं, अलग लूप में प्रिंट करा दें, सही? वो प्रिंट टैलेंट नहीं लगाया, तो
तो लूप के अंदर हमें जब इनपुट लेना है तो हम ऐसे ले सकते हैं, समझ आया कोई वही ना। अब इसमें हम ये करते हैं कि पांच नाम नहीं, यूजर बताए उसको कितने नाम देने और उतने नाम बोले। पहले यूजर बताया मुझे, अब छह नाम एंटर करने, छह नाम की लिस्ट बनाए, ये कैसे होगा? लेकिन टीजर लेना पड़ेगा पहले, हम यहाँ पे बिल्कुल एक लेंगे इंटीजर, एंटर नंबर इंटीजर किसी में रख दिया, चलेंगे नाम्स में चेंज कर लेते हैं वरना लिमिट नेक्स्ट एंड और यहाँ लिमिट रख देंगे फाइव की जगह पे। अब हमें नहीं पता यूजर कितने देते, तो लूप भी सही चलेगा क्योंकि वो लेंथ के टाइम्स चल रहे। मैं दो नाम देना चाह रहा हूं। सर जनरेटर ऑन हो जाए।